सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश ई लोन एप्लीकेशन के अंदर अगर आप लोन लिए हैं तो इसको रीपेमेंट कैसे करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लोन रीपेमेंट करके दिखाने वाला हूं कि कैश ई एप्लीकेशन के अंदर आप लोन रीपेमेंट कैसे करेंगे। जो कि मैं यहां से 5000 का लोन लिया था, जो कि मेरा अमाउंट यहां देख सकते हैं गाइज 5000 रुपये, और मुझे इसके अंदर जो इंटरेस्ट लगे थे वो 375 रुपये, और प्रोसेसिंग फीस 85 रुपये लगे थे, और GST जो है वो मुझे 15 रुपये लगे थे, और मेरे अकाउंट में जो अमाउंट आए थे 4,739 रुपये। तो आज मैं इस अमाउंट को जो कि आप लोगों को रीपेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे चलिए आपको दिखाता हूँ कि सबसे आसान तरीका आपको रीपेमेंट करने का क्या है, कैसे आप इनका रीपेमेंट करेंगे, जो कि सबसे आसान तरीका क्या है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर 4,739 रुपये जो कि मेरे अकाउंट में आए थे, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट जो है 162 रुपये लगे थे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पहला EMI जो कि आप लोगों को मैं रीपेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, तो मेरा पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे 5000 का लोन मिला था, जो कि मुझे 4,738 रुपये अकाउंट में आए थे। और दोस्तों मैं यहाँ पे अप्लाई जो किया था, जो मुझे लोन मिला था 8 मई को, मुझे सारा कुछ फाइनल हो गया था, रिक्वेस्ट भी 8 मई को, और अप्रूवल भी उसी दिन हुआ था, और मेरे अकाउंट में भी पैसा उसी दिन आ गया था। तो मेरा पहला EMI जो है दोस्तों वो है 1791 रुपये का, जो कि देख सकते हैं गाइज मैं पहला EMI जो कि 8 जून को मैं यहाँ पे अभी इनको रीपेमेंट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे आसान तरीका क्या है इसका रीपेमेंट करने का। सो गाइज, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है PEMI, लिखा हुआ है PEMI, तो इसी वाले पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपका अमाउंट जो रहेगा वो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, और ऊपर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, पे विया UPI लिखा हुआ है, और नीचे रीपे विथ नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। तो हम नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, आप भी जो है नीचे वाले पे ही क्लिक कीजिएगा अगर आप फोन पे गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप रीपे विथ नेट बैंकिंग लिखा हुआ है, इसी वाले पर आप जो कि क्लिक कीजिएगा। तो चलिए मैं इस वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। तो क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा, यहाँ पे आपको अमाउंट फिर से देखने को मिलेगा, और यहाँ रीपे लिखे हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, फिर से रीपे वाले पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे का ऑप्शन है, या नीचे फिर यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कार्ड लिखा हुआ है, इस वाले पर आप क्लिक करके जो कि यहाँ से इनको कर सकते हैं, या फिर अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नीचे देख सकते हैं नेट बैंकिंग लिखा हुआ है, आप इस वाले पे क्लिक करके इसको रीपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फ़ोनपे से करने वाला हूँ, तो अगर आप फ़ोनपे से करने वाले हैं तो डायरेक्ट इस फ़ोनपे वाले पे टिक करेंगे। पेटीएम से करना चाहते हैं तो इस वाले पर आप क्लिक करेंगे, या फिर आप गूगल पे से करना चाहते हैं तो यहाँ गूगल पे लिखा हुआ है, इस वाले पर आप क्लिक करेंगे। सो गाइस, तो चलिए मैं यहाँ पे फ़ोनपे वाले पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोनपे से ही इनको रीपेमेंट करूँगा। तो चलिए मैं फ़ोनपे पे सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप फ़ोनपे वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट जो कि आपके फ़ोनपे के पेज पर लेकर चला जाएगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे फ़ोनपे के पेज पर लेकर चला आया है। सो गाइस, तो देख सकते हैं कि मेरा फ़ोनपे के ऊपर लेकर चला आया है। सिंपली चलिए मैं यहाँ पे वाले पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से अपना UPI ID डाल लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे डाल करके सबमिट करता हूँ। सो गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा 1791 जो कि सक्सेसफुल हो गया है, जो कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे पहला EMI जो कि 8 जून को मैं यहाँ पे रीपेमेंट कर दिया हूँ, जो कि आप सभी देख सकते हैं मेरा पहला EMI यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो कुछ इसी तरीके से आप इनको जो कि रीपेमेंट कर सकते हैं, अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लिए हैं तो इनको आप कुछ इसी तरीके से रीपेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे 5000 का लोन लेते हैं तो आपके अकाउंट में 4,738 रुपये आएंगे, और आपको यहाँ पे EMI जो बनेगा वो 1791 रुपये का। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, मुझे काफ़ी पसंद आया है। दोस्तों, अगर आप लोग भी लोन लेना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग ले चुके हैं, रीपेमेंट करना चाहते हैं तो कुछ इसी तरीके से आप इनको रीपेमेंट भी कर सकते हैं। सो गाइस, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।